नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान की बुक एक्सरसाइज देखेंगे। उससे पहले आपको हमारा यूट्यूब चैनल जीके जैन स्कूल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। ग्लोबल लेटर वन, सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर वन है, हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है या नहीं है? तो इसका सही आंसर है, ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर बनता है, हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर टू, मृदा अपरदल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है या घटाता है? तो इसका सही आंसर है, घटाता है। तो इसका सही आंसर बनता है, मृदा अपरदल मिट्टी की उर्वरता को घटाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? तो इसका सही आंसर है, लगाने चाहिए। तो इसका सही आंसर बनता है, हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर, पानी और धूप अक्षय संसाधन है या गैर संसाधन है? तो इसका सही आंसर है, अक्षय संसाधन। तो इसका सही आंसर बनता है, पानी और धूप अक्षय संसाधन है। रोमन नंबर टू, सही या गलत, यानी ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर वन, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर है, सही, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, कोयला एक अक्षय संसाधन है, ये गलत आंसर है। कोयला एक अक्षय संसाधन नहीं है, यह गैर संसाधन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। तो इसका आंसर है, सही, वर्षा से ही हमें पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर फोर, सरकार लोगों को अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। तो ये गलत आंसर है। सरकार लोगों को प्रोत्साहित करती है ताकि लोग अधिक पेड़ लगाएं और हमें भरपूर ऑक्सीजन मिले। प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन नंबर वन, किसी चार तरीकों को बताइए जिनके द्वारा मिट्टी को संरक्षित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है, मिट्टी एक बहुमूल्य संपदा है, यह सबसे प्रमुख और आधारभूत संसाधन है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पशु चरण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, मिट्टी की सुरक्षा के लिए फसलों को हेर फेर करके बोना चाहिए, रासायनिक खादों को उचित उपयोग करके मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर टू, कोई दो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका आंसर है, सामाजिक वानिकी का प्रमुख अर्थ है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृषि आयोग में सामाजिक वानिकी को तीन वर्गों में बांटा है, पहला शहरी वानिकी, दूसरा ग्रामीण वानिकी, तीसरा फार्म वानिकी। तो बच्चों, मैं ये आंसर आपको वापस रिपीट करती हूँ। सामाजिक वानिकी का प्रमुख अर्थ है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृषि आयोग में सामाजिक वानिकी को तीन वर्गों में बांटा है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फार्म वानिकी। क्वेश्चन नंबर थ्री, वायु प्रदूषण से कैसे बचा जाए? तो इसका आंसर है, कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए, साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लाने के लिए
बाध्य करना चाहिए। वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुओं को ऐसे संयोजित करना होगा जिससे कि कम से कम धुआं बाहर निकले। आई रिपीट द आंसर, कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए, साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लाने के लिए बाध्य करना चाहिए। वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुओं को ऐसे संयोजित करना होगा जिससे कि कम से कम धुआं बाहर निकले। तो बच्चों, हमें वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए, अधिक धुएं वाले वाहनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि हमें शुद्ध वायु मिले और हम चैन से सांस ले सकें। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो इसका आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। यह पृथ्वी की सतह का औसत तापमान में यह बढ़ोतरी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में आने वजह से होता है। सामान्य शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। आई रिपीट द आंसर, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। यह पृथ्वी की सतह का औसत तापमान में यह बढ़ोतरी ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से आने वजह से होता है। सामान्य शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ हम रह सकते हैं। यह ब्रह्मांड की सुंदर रचना है, इसलिए इस पृथ्वी ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और हमें इस ग्रह का सम्मान भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे ग्रह की सुरक्षा के उपाय सुझाएं। तो इसका आंसर है, पेड़ पौधे लगाएं, पॉलीथीन का ना करें प्रयोग, स्वच्छता का ध्यान रखें, प्रदूषण कम करें, पशु पक्षियों का रखें ध्यान, सौर ऊर्जा का करें प्रयोग। तो बच्चों, इस ग्रह का हमें सम्मान करना चाहिए और इसकी सुरक्षा भी करना चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमें शुद्ध वायु मिले। पृथ्वी बचाए, जीवन बचाओ। रोमन नंबर 4, सही क्रम में लिखे, जिसे हम इंग्लिश में जंबल वर्ड्स कहते हैं। तो इसमें आपको शब्दों को उलट पलट से लिख के दिया गया होगा, तो इसको आपको सही क्रम में लिखकर एक करेक्ट आंसर बनाना है जिसका सही मीनिंग बने। तो पहला है द पंसा, तो इसका सही आंसर है संपदा। तो इसको कैसे बोलोगे? संपदा, संपदा। दूसरा है ना खा, तो इसका सही आंसर है खा ना। तो इसका क्या आंसर है? खा ना। तीसरा है ई ला धू, तो इसका सही आंसर है धू ला ई। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? धू ला ई, धुलाई। चौथा है ल स फ, तो इसका सही आंसर है फ स ल। तो इसका क्या आंसर है? फसल। पांचवा है योग श्री य प, तो इसका सही आंसर है पक्षी यू। तो इसको कैसे पढ़ोगे? पक्षी यू। तो सही क्रम में लिखो का पहला आंसर है संपदा, दूसरा आंसर है खाना, तीसरा आंसर है धुलाई, चौथा आंसर है फसल, पांचवा आंसर है पक्षियों। तो बच्चों, इसी तरह आपको कई वर्ड्स ऐसे दिए गए होंगे जिसको जंबल करके दिया गया हुआ, तो आपको सही आंसर इसका लिखना है। अभी एक्टिविटी टाइम। तो आपकी एक्टिविटी है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी के प्रकार के पिक्चर्स लेके चिपकाना है। अगर आपको रियल मिट्टी भी मिल जाए तो वो भी
आप चिपका सकते हैं। तो मिट्टी कई प्रकार के होती है, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल और माउंटेन सॉइल। तो इनको मैं अभी हिंदी में बताती हूँ। एलुवियल सॉइल यानी कच्चर मिट्टी, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, लेटराइट सॉइल को लेटराइट मिट्टी ही कहते हैं, सैंडी सॉइल यानी मरुस्थली मिट्टी, माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मिट्टी। तो बच्चों, इन टाइप्स ऑफ मिट्टी को आपको प्रोजेक्ट बनाना है, या अगर आपको पिक्चर्स मिले तो आप पिक्चर्स लेके कलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल मिट्टी टाइप्स ऑफ मिट्टी मिल जाए तो उसको कलेक्ट करके एक पॉलीथीन में पैक करके अच्छे से प्रोजेक्ट में नीटली जो मिट्टी के नाम है उसको क्लैरिफाई करके आप लिख के सबमिट कर सकते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखें, इन दो चित्रों के बीच का अंतर ढूंढें और दिए गए प्रदूषण का कॉलम के अंतर लिखें। जैसे प्रदूषण एयर का भी हो सकता है, लैंड का भी हो सकता है और वाटर का भी पोल्यूशन हो सकता है। तो जो पोल्यूशन पिक्चर में आपको दिखे उस पोल्यूशन के बारे में जो कॉलम दिए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। यही आपका एक्टिविटी वर्क। बच्चों, इस वीडियो को लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।